और हम हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के वजीर आजम को बताना चाहती हैं कि अब आप अपने चेहरे से ये मासूमियत का निकाब निकाल कर फेंक दीजिए। ट्रंप शायद आपकी बात का भरोसा कर जाए, मगर हम उसका भरोसा नहीं कर सकते। ना हम ट्रंप की बात का भरोसा कर सकते, ना ये पाकिस्तान के वजीर आजम की बात का। मुझे अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के एक वजीर ने एक वीडियो में कहा कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हम हिंदुस्तान के मंदिरों से आवाज और घंटे की आवाज रोक देंगे। मैं पाकिस्तान के उस वजीर से भी कहना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान को नहीं जानते। जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा है, मस्जिद से आवाज आएगी अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मंदिर से घंटों की भी आवाज आएगी, गिरजाघर से भी आवाज आएगी, गुरुद्वारा से भी आवाज आएगी, बौद्ध मजहब के लोग अपने मजहबी नगमों को पढ़ेंगे। ये हिंदुस्तान की ताकत और खूबसूरती है। तुम मर भी जाओगे, तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी, मगर हिंदुस्तान में ये तमाम चीजें होती रहेंगी। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है, जिसको पड़ोसी मुल्क हसद भरी निगाहों से देखता है कि क्या है इस मुल्क में वो ताकत कि आज यहां पर हमा किस्म के लोग रहती हैं, मगर मिलकर रहती है। यकीनन हमारे मुल्क में मसाइल है, इसीलिए हम इस जलसे को कर रहे हैं हमारे मसाइल कल के लिए, मगर जब वतन की बात आएगी तो हम सब एक हो जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब ये जो मसला है, पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका छोड़कर ट्रंप जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ये समझता है कि अब हमारी अहमियत बढ़ चुकी है। इनकी अहमियत नहीं बढ़ेगी, इनके पास पैसा नहीं है। इनको खैरात मिली, एक अरब का बादशाह अगर इनको खैरात किया तो उन्होंने समझा कि चलो एक 8 दिन के खाने का इंतजाम हो गया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम हम पर ताना मारते हो। और पाकिस्तान के वजीर आजम इस बात को भूल जाए कि बार बार हिंदुस्तान के मुसलमानों की अकलियतों की बात करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम सुनो, मैं तुमको सुना रहा हूं, अगर मेरी बात तुम्हारे आईएसआई के लोग तुमको पहुंचाए तो सुनो। हम मुसलमानों ने इसी मुंबई शहर में मोहम्मद अली जिन्ना थे, हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया, हमने हिंदुस्तान को अपना वतन माना। जिन्ना बंबई छोड़कर चले गए, हम हिंदुस्तान में आज भी आबाद है। क्यों आबाद है? क्योंकि हमने हाजी अली की इस दरगाह को समझा कि हमारी आस्थाना है, ये हमारा मुल्क है, इसीलिए हमने हिंदुस्तान को अपनाया। और ये लोग बार बार हमारी फिक्र करना छोड़ दें। दूसरी बात ये कि हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी गुजारिश करना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं, जरा आप भी तो गौर करो, आप भी तो सोचो कि 200 किलो आरडीएक्स कैसे घुस गया, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है तो मुझे मेरे खिलाफ एक्शन लो। कौन जिम्मेदार है? हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की धमकियों को अपनी जूती पर रखते हैं, मगर हम आपको ही बताना चाह रहे हैं कि आप जरा इंट्रोस्पेक्शन करो, आप जरा सोचो। जब आपके पास वक्त होगा, फोटोग्राफी को छोड़कर जब आप अपने उस घर में बैठते हैं, तो जरा सोचो थोड़ी देर के लिए कि 200 किलो आरडीएक्स कैसे गया, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर मैं आज यहां पर एक भड़काऊ भाषण तकरीर करके चला जाऊंगा तो सुबह होने से पहले मुझ पर मुकदमा आयद हो जाता, क्योंकि मैंने उस तरह की बात की। तो फिर जिसने आरडीएक्स लाया वो कौन है? क्या ये हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है?
क्या ये हमारी पॉलिटिकल फेलियर नहीं है? क्या ये हमारी इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं है? जो लोग इंटेलिजेंस में बैठे हैं, क्या वो बिरयानी खाकर सो गए थे? बताओ कौन जिम्मेदार है वजीर आजम? किस पर आप एक्शन लेंगे? देश जानना चाहता है कि जो 40 से ज्यादा लोग मारे गए, कौन हमारे सिस्टम के लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप? डिप्लोमेटिक फेलियर इसलिए कि आपने चीन के सदर को अहमदाबाद में बुलाकर झूला झुलाया, वुहान समिट किया, मगर आज भी चीन वो खबीस मसूद अजहर को ब्लॉक करता है, उसको ब्लैकलिस्ट करने से रोकता है। क्या ये आपकी डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? पॉलिटिकल फेलियर भी है, क्योंकि आपकी सरकार दिल्ली में, आप दिल्ली के बादशाह, जम्मू कश्मीर में आप और महबूबा हुकूमत किए, क्या खाक किए, कौन सा काम किया आप? गवर्नर राज तो आपका है, बताओ इस सवालात का जवाब कौन देगा? यकीनन मेरे आंखों में भी गुस्सा है, मेरे जिस्म में भी गुस्सा है, मुझे तकलीफ है जब हम आप और हम पढ़ते हैं कि मरने वाले की भी बेवा जो हुई हमारी बहन, उसने बच्चे को जन्म दिया, उसके बाप का साया उस बच्चे के सर से उठ गया, मरने वाले के खानदान की माओ की आंसू हमारे सामने, मगर याद रखो इसको अगर हम जज्बात में लाकर मुल्क को फिर से जज्बात में लाएंगे तो नहीं अच्छा होगा। ये मुल्क सवालात पूछ रहा है, जवाब हुकूमत को देना पड़ेगा। वुहान समिट हुआ, क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है इसका, कोई नहीं बता सकता। मुझे मालूम कि मैं जब ये बात कह रहा हूं तो टीवी के चैनल में जो बैठे हुए एंकर हैं, उनको मुंह में पानी आ रहा होगा कि गुलाब जामुन उनके मुंह में आया, अब ओवैसी को एंटी नेशनल बना देंगे। बनाओ तुम, मैं तुम्हारी जबान का, तुम्हारे सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं हूं कि तुम मुझे नेशनलिस्ट कहोगे वो नेशनलिस्ट। सुनो, टीवी के स्टूडियो में बैठकर मोदी की चमचागिरी करने वालों, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम चमचागिरी मोदी की कर सकते हो, मगर मैं नेशनलिस्ट इसलिए हूं क्योंकि तुमने नहीं, बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान देकर मुझे नेशनलिस्ट बनाया। मुल्क किसी का सवाल चाहता है, इनके सवाल का कोई जवाब नहीं, नतीजा निकलना चाहिए। हम हुकूमत के साथ हैं, आप क्या एक्शन लेंगे लीजिए, हमारे सियासी अख्तलाफात रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हम भी जानना चाहते हैं क्या आप लेंगे। आज वजीर आजम बोल दिए कि कश्मीरियों से लड़ाई नहीं है, टेररिज्म से, ठीक है, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्या ये आपकी आदत नहीं है कि जब मॉब लिंचिंग होती आप 6 दिन खामोश बैठते, फिर 8वें दिन बोलते क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब दलितों को मारा जा रहा था, एससीज को पीटा जा रहा था, ऊना का वाकया हुआ, आप 8 दिन खामोश बैठे, 9वें दिन आपने हैदराबाद में आकर कहा मुझे मार दो मेरी जान। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको 180 साल जिंदा, आपके लोग भी नहीं दुआ करते होंगे, वो हम करते हैं, आप 180 साल जिंदा, 180 years, मगर कोई जवाब नहीं। आज आप 6 दिन के बाद वो जो गवर्नर है आपका, वो कहता है कि कश्मीरियों का बाइकॉट करो, उसको आप निकाल कर फेंको, क्या उसको निकाल निकाल कर फेंक दीजिए ना, क्या करते हैं निकाल टेलीग्राम हमारे कि बुद्ध बाबा के वास्ते के बाद हिंदुस्तान के वजीर आजम, हमारे वजीर आजम, मुल्क के वजीर आजम रोज नए नए कपड़े पहनकर
आपको पुकार। अच्छा विधवा हम पहले से आपको कोई शिकायत नहीं, मगर आप अपनी सोच को हमको सतर्क नहीं कर सकते। तीसरी बात कि इनकी हुकूमत साढ़े चार साल में मुसलमानों के खिलाफ कितना काम कर रहा था, इनके मिनिस्टरों ने बेहद किस्म के बयान नहीं मानेंगे तो पाकिस्तान चले जाओ, खाना नहीं छोड़ेंगे तो वहां चले जाओ। साढ़े चार साल के बाद एक मुस्लिम मुल्क का एक बादशाह आता तो मोदी साहब अफगानिस्तान से मैं निकल रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान की जरूरत है, तो ट्रंप आपको बुला डाला। पूरा साढ़े चार साल में मुसलमानों को हर इतिहास आज हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में गेस्ट ऑफ ऑनर बन के उनको बुलाया जाता है। हमारे टीवी चैनल के लोग जो इनके लोग हैं हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लाम ओआईसी क्यों है, क्या वो आज भी कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं मानता? बताओ मिस्टर मोदी, जो ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलता है वहां पर जाते हैं आप अपने मिनिस्टर को बाहर पर जाते हैं? अफसोस की बात, शर्म की बात कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर को कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और आप ताकत बनते हैं वहां पर। अफसोस हो रहा है मुझे, अरे नहीं जाना था, जाना था तो बोलना था कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, वो हिंदुस्तान का कोई हिस्सा है, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, कश्मीरी हर कश्मीरी हिंदुस्तान का हिस्सा है, मगर नहीं की जाए। और फिर यहां पर टीवी चैनल वाले ये करना वो करना, मेरे भाई बहनों लोगों को साढ़े चार साल में बेवकूफ बनाने की कश्मीरी ने बना कर रख दिया। आज की जो सभा मुलाकात की गई है किस लिए मुलाकात की गई है? हिंदुस्तान के कमजोर तबका मुसलमान एससी एसटी ओबीसी हमारे जंगल समाज के लोग कोली समाज के लोग सब एक हो जाना। मेरे दोस्तों और मुल्क को आजाद होकर 70 साल का अरसा गुजर चुका, जब आप यहां पर जमा हुए मैं आपसे बात अपनी दिल की बात कह रहा हूं, मैं बड़ी तकलीफ से कह रहा हूं कि कभी अपने दिलो दिमाग पर जोर डाल कर सोचो कि 70 साल में क्या हमसे इंसाफ हुआ? क्या 70 साल में हमको जो बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान दिया और उस संविधान में बाबा साहिब ने कहा कि मैं तुमको संविधान दे रहा हूं, मेरी जिंदगी मुझसे वफा नहीं कर पा रही है, मगर मैं तुमको संविधान दे रहा हूं, सुनो इस संविधान को इस्तेमाल करो और एक पॉलिटिकल ताकत बनो। पॉलिटिकल ताकत कहां? पॉलिटिकल ताकत रिजर्वेशन है हमारे सी भाइयों को पार्लियामेंट में, और कैसा रिजर्वेशन, कैसे एमपी 10% का रिजर्वेशन पास हो रहा है जो बाबा साहिब अम्बेडकर के संविधान के पूरा खिलाफ 180 एमपी है, कोई मुंह नहीं खोलता और एक मुंह खोलता है, शोक करता है, मकरा करता है, करता है। क्या है ये, क्या है ये? आज वो खुद रो रहे हैं, अरे ये दोनों मिल गए, मैंने कोई स्कीम नहीं की, तुमको तो वही बता रहे थे कि तुम्हारा मुकाम सिर्फ मस्करा बन करना है, तुम्हारा काम सिर्फ थालियां बजाने का है। मेरे सी भाइयों, अगर तुम्हारे दिलों में बाबा साहेब अम्बेडकर की एक ही मोहब्बत है तो मैं तुमको अम्बेडकर का वास्ता देकर कह रहा हूं,
अब आने वाले पार्लियामेंटी चुनाव में तुम इन कन्याधारों का, इन सावरदाओं का, इन सालिमों का साथ हर किस्मत दो। आज अल्लाह ने, खुदा ने, कुदरत ने हमको एक मौका दिया है। देखो मुसलमान तुम्हारे साथ है, शेड्यूल ट्राइब तुम्हारे साथ है, ओबीसी समाज तुम्हारे साथ है, धोनी समाज तुम्हारे साथ है, धनगर समाज तुम्हारे साथ है, हर वो हिंदुस्तानी तुम्हारे साथ है जो बाबा साहेब अम्बेडकर के उस मैदान को समझता है। निगाहें उठा कर देखो कि मेरे बड़े भाई प्रकाश अम्बेडकर साहब कोई 40, 45, 50 साल के नहीं है, 60 साल से ज्यादा ही उम्र हो चुकी है। क्या तुम इनके मरने के बाद इनको याद करोगे? क्या तुम इनके दुनिया से चले जाने के बाद इनकी अर्थी को उठाकर याद करोगे? अरे जब तुम्हारे पास तुम्हारा लीडर जिंदा है, अगर तुम जिंदा हो, अगर तुम्हारे दिलों में दिल रखता है, तुम्हारे सीनों में तुम्हारी सोच अम्बेडकर ने तुमको दिया, अगर वो जिंदा है तो इनको उठा लो, इनको कामयाब कर लो। मैं अपने आप अपनी कामयाबी के लिए इस मुकाम पर नहीं आया हूं, मैं अपने बड़े भाई की कामयाबी के लिए काबू देने के लिए आया हूं। मेरा मकसद कोई मंत्री संतरी बनना नहीं है, मेरे जिंदगी का मकसद यही है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान में बाबा साहेब ने फ्रेटरनिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात की। ये कौन देंगे? फडणवीस देंगे? ठाकरे देंगे? चंद्रबाबू राहुल गांधी देंगे? पवार साहिब देंगे? अरे पूरे पेशवा है, पेशवा याद रखो, ये पूरे पेशवा है जो ये कह रहे हैं कि जमहूरियत तो आ गई, मगर हम पेशवा है, हम तुम्हारे मुकद्दर का फैसला करेंगे। मेरे भाइयों, जो आज तुम यहाँ पर लाखों की तादाद में जमा हुए, तुम सोचो थोड़ी देर के लिए कि तुम्हारे बच्चे और बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला ये सावरना जन्मदारू पेशवा करेंगे या प्रकाश अम्बेडकर करेंगे? तुम्हारे घर की हिफाजत ये लोग करेंगे या प्रकाश अम्बेडकर करेगा? तुम्हारे इंसाफ की लड़ाई ये लोग लड़ेंगे या प्रकाश अम्बेडकर लड़ेंगे? ये फैसला आपको करना है। यहां से उठने से पहले फैसला करके जाओ कि 70 साल एक बहुत लंबा अरसा हो चुका है, अब हम इन लोगों का साथ नहीं दे सकते जिन्होंने हमको डरा डरा कर हमारा वोट हासिल किया, और वो इलेक्शन आता है तो जमींदारों की तरह कहते हैं कि आम आप में नजराना पेश करता हूं, ये नहीं हो सकता, इसको बदलना पड़ेगा। और जब चुनाव आएंगे आप देखना, जैसा मार्च का महीना आएगा फौरन आवाज आएगी कांग्रेस के चमचों से, राष्ट्रवादी के चमचों से, ओवैसी और प्रकाश अम्बेडकर वोट काट रहे हैं, वोट काट रहे हैं, वोट काट रहे हैं। मोदी और फडणवीस ठाकरे पुकार कर बोलेंगे ये समाज के दुश्मन है, ओवैसी एंटी नेशनल है, ये कैसे आ रहा है, ये क्या मतलब है? मेरे भाई, आज आपको फैसला करना है कि आप किसका साथ दें। इलेक्शन आएगा तो बहुत पैसे इन लोगों के पास, करोड़ों रुपये, 70 साल जो इंसानों का खून चूसा वो जमा है इनके पास। आज वो खून चूसने वाली पार्टियां फिर से आकर आपसे कहेंगी कि हम इनको जाने वाले हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने 50-55 साल पहले कहा था कि लोग आकर रिफॉर्मर बनेंगे, रिफॉर्मर, और वो बोलेंगे तुम्हारे लिए अच्छा है नहीं, मेरे भाई आप जानते हैं, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। जब आप जानते हैं तो आप अपने लोगों को कामयाब करते हो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये तूफान चल जाएगा, याद रखिए, जैसा आज आप यहां पर जमा हुए, मुझे बता दो शिवाजी पार्क में जितने लोग जमा हैं,
क्या किसी को पैसा देकर बुलाया गया यहाँ पर? क्या आपको पैसे देकर बुलाया गया? तो फिर कल जब चुनाव आएंगे, जो पैसे खर्चा करेंगे आप क्या करेंगे? जब ठाकरे, फडणवीस, मोदी, अमित शाह, जनयोधारू राहुल, ये पवार जब अपने पैसे लाएंगे तो क्या करेंगे आप? जब आज यहाँ पर आप बगैर पैसों के आए हैं, क्यों आए आप? क्योंकि आपके दिल में तकलीफ है, आपके पास एक फिक्र है, आपके पास एक सोच है, आपके पास एक तड़प है, आपके पास एक गुस्सा है, आप उस गुस्से के साथ के लिए आए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब चुनाव आएंगे, प्रकाश अम्बेडकर साहब के जितने कहेंगे कहेंगे, आप बंद करके जाके बटन दबाना, कामयाब कर दो हिंदुस्तान की सियासत में एक इंकलाब दिखा जाएगा। अब जब सरकार बनेगी तो वो 280 वाली नहीं बनेगी, ना कांग्रेस की बनेगी, ना बीजेपी की बनेगी। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में था, वहां पर मैंने कहा कि हिंदुस्तान में एक ही नेशनल पार्टी थी, तो वहां पर वो ऊपर के लोग जनजातियों के थे, बोले क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में एक ही नेशनल पार्टी, एक बीजेपी है, दूसरा मनमोहन भाई की जगह, ये बीजेपी और मनमोहन भाई। अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा, अब आप बस कर दो, कांग्रेस का साथ खत्म करो, आपकी तबाही की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, आपकी बर्बादी की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। अगर आपके बच्चे जेलों में हैं कांग्रेस पार्टी की वजह से, अगर महाराष्ट्र से एक भी मुस्लिम एमपी 10 साल से नहीं जीता तो इनकी वजह से, अगर श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट किसी कचरे के कूड़े में पड़ी हुई है तो कांग्रेस की वजह से। मेरे भाई, छोड़ो इन लोगों का साथ, जब तुम अल्लाह को मानते हो, जब तुम हसबुन अल्लाह नेमल वकील बोलने वाले हो, जब तुम तौहीद का इकरार करने वाले हो, जब तुम कुल अल्लाह अहद कहने वाले हो, जब तुम कुल जाहद वसातुल बातिल इन्नल बातिल खाना सौता कहने वाले हो, जब तुम बदर के हुनैन के वाकयात को जबान से बयान करने वाले हो, तो क्या तुम एक सियासी इलेक्शन में तुम प्रकाश अम्बेडकर का साथ नहीं दे सकते? कब तक साथ दोगे? कब तक साथ दोगे इन लोगों का जिन्होंने हमको बर्बाद कर दिया? मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास, महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास आज तबादली है, अल्टरनेट है, उस अल्टरनेट को अपनाइए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। देखो जाकर मध्य प्रदेश में कानून बनाए, 3 मुसलमानों पर गाय के गोश्त का कानून लगा और एनएसए लगा गया, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया। मेरे दोस्तों, इस बात को हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के मुसलमानों से समझना, कुछ होने वाला नहीं है। आज लॉल्टनेट आपके सामने है, आप इसको मजबूत करो, और जब इंतखाबात हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि ये मिलावट का गठबंधन है, मिस्टर मोदी आपने सही कहा, आप भी मिलावट, वो भी मिलावट, हम आपके गठबंधन में ये निकल है, आपके गठबंधन में ये निकल है, क्या क्या चीजें नहीं मालूम। हमारा जो गठबंधन है वो ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक गठबंधन है, ये जमीन से जुड़े उन लोगों का गठबंधन है जो आप इंसाफ के लिए जमा हुए हैं, जिनको जालिमों ने जुल्म करके हमारा जमहूरियत छीन लिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे सरदार नाम बहनों, आज एक मुसलमान तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं,
मैं अपने मुस्तकबिल के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चे और बच्चियों के फ्यूचर के लिए तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूं। याद रखो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ये तारीखी सुनहरा मौका है, इसको पकड़ लो। कुदरत हमको दे रही है, इसको थाम लो। याद रखो, अगर तुम इसको पकड़ लोगे तो जब तुम हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारी आने वाली नस्ल कहेगी कि हाँ, शिवाजी पार्क में जलसा हुआ था, जहां पर हमने बैठ कर एक दीवाने की बात को सुना, जिसकी बात हमारे दिल और दिमाग और हमारे जमीन को जोड़ दी। हमने एक मर्तबा उठकर कहा कि अब की बार ना मोदी, अब की बार ना राहुल, अब की बार सिर्फ प्रकाश अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर। ये हमारा काम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देखो आप अपने साथ क्या इंसाफ की बात करते हैं। रमजान आया, मुसलमान रोजा रखता है, हमारे रिश्तेदार बना हम खजूर को खिला। दलित से मोहब्बत, दलित के घर का इसी के घर का खाना नहीं खाएंगे, बाहर से पका के ला के खाएंगे। ख्वाजा अजमेरी का औरस आया तो बोलते ले पैसे ले, ज्यादा बजा। बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टैचू के सामने जाकर फूल माला डाले और हमको बोलते, देखो बहुत चाहने वाले नहीं मेरे भाई, अम्बेडकर बाबा साहेब अम्बेडकर के पैगाम समझता हूँ। वो पैगाम तुम पर हमको दावत दे रहा कि जिंदा रहना है तो लड़ना सीखो। जिंदा दिली का नाम यह है कि तुम वोट डालना सीखो, अपने कैंडिडेट को, अपनी पार्टी को कामयाब करो। ये फडणवीस, ये पवार, ये तमाम ठाकरे ये कुछ नहीं करेंगे। और आप देखो, कल तक ठाकरे बोलते थे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं होगा। हमारा क्या हुआ नहीं मालूम, क्या हुआ नहीं मालूम, कौन सी पूरी खोली गई नहीं मालूम, अचानक मिल रही है। मैं शुरू से कह रहा था ये ड्रामा बाजी है, नाटक बाजी है। इसीलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बस यही चतल बाद मुझे आप तक पहुंचाना था। मेरे आपसे गुजारिश है, मुत्तहिद हो जाइए। मैं अपने साथी शोहरत के लिए, अपने मकसद के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ हमारे बड़े भाई बाला साहेब के लिए आया हूं, उनके खास मजबूत करने के लिए आया हूं। और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं ये काम करता रहूंगा। कामयाबी देना ऊपर वाले का काम है, मैं तो सिर्फ पुकार पुकार कर अपनी जबान के जरिए, अपने अल्फाज के जरिए तुम्हारे दिलों तक अपनी बात को पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मगर आज जब तुम उठकर यहां से जाओगे तो एक अहद लेकर उठो कि मैं जब यहां पर चार घंटे बैठकर सुनाऊं, जब मैं यहां से उठकर जाऊंगा तो मैं महाराष्ट्र की सियासत में भी खिलाफ बर्पा करूंगा। जो लोग डराने वाले उनसे कहो नहीं डरने वाले हो, जो वोट काटने की बात कर रहे हो उनसे कहो कि जब तुम्हारी बर्बादी तुमको नजर आ रही है, तुम हमसे आ करो काटने की बात कह रहे हो। मुसलमानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम अल्लाह अकबर बोलने वाले हो, तुम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हो, तो फिर मोदी से क्यों डर करो कहते। जब तुम अल्लाह से डरने वाले हो तो राहुल तुम्हारी मजबूरी नहीं, जब तुम अल्लाह से डरने वाले हो तो शरद पवार तुम्हारी मजबूरी नहीं, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो तो ठाकरे से डरने की क्या बात। अरे गुलामी करना है तो रसूल की करो, और इबादत करना है और किसी से डरना है तो परवाले से। मुसलमानों को ये इंकलाब महाराष्ट्र की तारीख में लेके जाने वाला है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसमें हिस्सेदार बनो और अपना हिस्सा हासिल करो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।